बेटा जरा शांत हो ना, फोन है। हो दादा। हाँ हम लोग कसैली क्रॉसिंग पर हैं। मेरे ख्याल से लगभग एक घंटा और लगेगा ना। हाँ दादा एक घंटे में पहुंच जाएंगे। बस हम लोग भी निकल ही रहे हैं। कोमल क्या कर रही है? लीजिए आप बात कर लीजिए। फोन। लो पापा। बेटा अपना ख्याल रखना और मामा मामी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। अब मामी को फोन दे दो बेटा। दादा अब भी ना, आप कोमल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कोमल भले ही आपकी बेटी है लेकिन हम भी उसके मामा मामी हैं, हम भी उसका ख्याल ठीक से रखेंगे। और वैसे भी कुछ घंटों की तो बात है, फिर हम सब लोग साथ में ही होंगे। ओ सॉरी हम लोग समय पे निकल नहीं पाए। अच्छा दादा मैं पहुँच कर फोन करती हूँ आपको। ठीक है चलो। यार गाड़ी पंक्चर हो गई है। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। साल 2006 12 जुलाई ये वो तारीख है जिस दिन दो बच्चे साक्षी बने एक ऐसे जुर्म के जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। अतीत और भविष्य कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे प्रतिगामी खेल खेलते हैं कि हमारा आज हमें जीने नहीं देता और हमारा गुजरा हुआ कल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इन परिस्थितियों के बीच में वक्त तो अपनी रफ्तार पकड़कर काफी आगे निकल चुका होता है लेकिन जिंदगी उम्मीदों का दामन छोड़ देती है, वक्त से दामन छुड़ा लेती है। आज का ये केस हमारी अब तक की सबसे अनोखी कहानी है जहाँ एक हंसते खेलते परिवार से भरी गाड़ी गई तो थी सुरंग के अंदर तमाम खुशियों के साथ लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सुरंग का अगला सिरा एक ऐसे रास्ते पर जाकर खुलेगा जहां उनकी किस्मत में लिखी होगी मौत, तबाही, अंधेरा और 10 साल का लंबा इंतजार। के बारे में कुछ पता चला? सर जी 10 साल हो गए। ना आपने उम्मीद छोड़ी है ना हमने कोशिश। आपकी बेटी के बारे में कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर ये नए पोस्टर है लेकिन इसमें चेहरा हर तरह से साफ दिखाई दे रहा है, इसके बाद तो मेरी कोमल मिल जाएगी है ना? शरद जी ऐसे पोस्टर्स आप हमें पहले भी कई बार दे चुके हैं। माफ कीजिए सर, मैं यहां अपनी बेटी के पोस्टर देने नहीं आता बल्कि उसकी फाइल से धूल साफ करने के लिए आता ताकि ये केस थाने के किसी कोने में सड़ ना जाए। शरद जी हमारी न्याय व्यवस्था धीमी जरूर है पर बिना हार माने वो जीतती ही है और हम हमारे पुलिस स्टेशन की किसी भी फाइल पर धूल जमने नहीं देते जब तक उस फाइल का आखिरी पन्ना इंसाफ का पन्ना ना हो। जाइए। दस सालों से शरद लगातार अपनी बेटी कोमल, कोमल के मामा मामी और उनकी बेटी नीति को खोज रहा था लेकिन इन 10 सालों में शरद की तड़प और फिक्र में कोई कमी नहीं आई थी। गुजरते लम्हे के साथ शरद का अपनी बेटी के लिए प्यार बढ़ता चला गया। ये लम्हे अब सालों का रूप ले चुके थे पर अचानक इस हालात के ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ गिरा और जिंदगी में तूफान का सिलसिला फिर से शुरू हो गया।
है। चल गुड़िया को देना। शरद दा, कैसे हो तुम्ही? मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। ये लो गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली। भाई आदमी कौन है जो पोस्टर लगा रहा है? अरे कुछ नहीं, 10 साल हो गए इनके कोमल बेटी को लापता हुए। अब भी पोस्टर पुराना नहीं होने देते। दुआ करो इनकी बेटी जल्दी मिल जाए। खूब चांगला मानूस है। ए? क्या अपुन अपुन की आई को मारी रहा है? तेरी नहीं क्या? ऐसे क्या घूर ली? चल फटाफट हाथ लगवा इस पे। चल ऐसे खड़े हुए क्या देख रही है? चल 5 मिनट के अंदर सब सफा मांगता है पास एकदम। चल बिजली का बिल, लाइट कट चुकी है और 2 दिन बाद फोन भी कट जाएगा। मैंने बिल नहीं भरा था। नहीं शरद, जो लोग बीते हुए कल में जीते हैं ना, उन्हें आज की होशो खबर नहीं रहती है। तुम्हें ये पोस्टर छपवाना याद रहता है, बिजली का बिल भरना याद नहीं रहा? अब पहले ही कमरे में 200 से ज्यादा पोस्टर पड़े हैं, ये और नए पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत थी शरद? मैं बहुत थक गया हूँ सुषमा। थका हूँ, थके हो गए ना? पिछले 10 साल से पहाड़ खोद के रास्ता जो ढूंढ रहे हो, मिल गया रास्ता? शरद तुम समझते क्यों नहीं हो? कोमल सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी भी थी। अब तो उम्मीद भी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है शरद। एक तुमों के उसके साए को पकड़कर बैठ गए हो। काश अगर किसी पहाड़ को खोदने से मुझे मेरी बेटी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटता। जाना सुन, तेरे को पता है ना तेरे को क्या करना है? जा चेंज कर। अरे 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 मेरे बच्चा, मेरे बच्चा, मेरे बच्चा। ये लीजिए भैया आपका हिसाब, और वो चाय पत्ती और पोहा दे दीजिए। हाउसकीपिंग। क्या काम है सर? रूम क्लीन करना था। अभी जब भी मैं बोलूंगा तभी आना।
भाई भाई सुन, भाई कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मुझे भूल गए। कौन हो तुम? बाबा आप मुझे सचमुच में भूल गए। कोमल, थोड़े बड़े बनाओ ना, देखो बड़ा अच्छा। आई? हाँ। सुन, तू रोटी देख, सब्जी देख, मैं रोटी देकर आती हूँ। आई गो। अरे तुम्हारी रोटी नहीं आई अभी। आ रही है। आली आली हेगे, तुझे दोन पोळ्या, तुम्हाला एक। नाही मला नको। अरे घ्या हो एक। तुला मेरा हो गया। अरे गपचुप खा, अभी तो तेरी खाने पीने की उम्र है। गपचुप खा नहीं तो फटके देन। हाँ आणि तुला ये। आई बस हो गया मेरा। गप घे, पोळ्या इथेच ठेवून जाते हां मी। अरे वो तवेले में चारा खत्म हो गया है। हाँ बाबा मैंने मंगवा लिया। और कहाँ जा रहे हो? खेत पर पानी काटने जा रहा हूँ तो पूरा खेत भर जाएगा। अरे खेत का रास्ता बंद है, नीता की रैली निकलने वाली है। तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा ना। अरे बहुत ही सुनसान रास्ता है, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है वहाँ पर। तो मेरे पास है ही क्या? मेरी किस्मत थोड़ी चुरा लेंगे। चुरा भी लेंगे तो गम नहीं, चलता हूँ। ध्यान से जाना। ठीक है भैया। इसकी पूरी बात तो सुन लो। शरद तुम, मम्मी आपने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी कोमल हूँ मम्मी। चुप कर, मेरे सामने ये सब नाटक नहीं चलने वाला। तुम चाहते मैं इसकी पूरी बात सुनूँ ना? सुनूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन पे। सुषमा, सुषमा। शरद बस। हेलो पुलिस स्टेशन। तो आपको यकीन है कि ये कोमल ही है? जी सर, ये कोमल ही है। बताओ ना बेटा, जो तुमने मुझे बताया था, बोलो। हम हमारे कजिन्स की शादी में जा रहे थे। डेट याद है? हाँ, 12 जुलाई 2006। कपड़े क्या पहने थे? मैंने व्हाइट फ्रॉक पहनी थी और नीतू ने ब्लू। इसे सब पता है। कोमल हमेशा नीति को नीतू बुलाती थी। अगर ये कोमल नहीं होती तो इसे ये सब कैसे पता होता? आगे क्या हुआ? फिर हम चलते जा रहे थे और एकदम से एक टनल आया।
अरे यार गाड़ी पंक्चर हो गई है। बाबा उन्होंने मामा मामी को वही मार दिया था। बेटा उसके बाद क्या हुआ? वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे और नीति कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने मुंह ढक रखा था, फिर वो हमें गांव लेके चले गए और उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। फिर आगे क्या हुआ? फिर मेरी जिंदगी नरक बन गई। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, जबरदस्ती करता था, लेकिन एक दिन मेरी सास दही से दवा करने आई, मैं वहां से भाग निकली। बाबा मुझे उस नरक में फिर नहीं जाना है, प्लीज बाबा इनसे कहो ना। तुम्हारे पति का नाम क्या है? मनोहर सावंत। एक बात बताओ, तुम इतने साल कहां थी? वो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। कोमल घाबरू ना, कुछ मैं आए ना, मार दिया उसे। मैंने कहा था ना मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, मार दिया। Like this ना, हाँ? मारला, मारला। बड़ा इतने साल तुम जिस गांव में रही थी, उसका नाम तो तुम्हें जरूर पता होगा। उमरौली। और दहीसर में कहाँ रुके थे तुम लोग? मुझे याद है। उस जगह का नाम, होटल का नाम? अच्छे से याद नहीं है। सर, अगर आप लोगों की जांच पड़ताल खत्म हो गई हो, तो क्या मैं अपनी बच्ची को घर ले जा सकता हूँ? और सुषमा, तुम भले ही अपनी बच्ची को पहचान न पाओ, पर मैं आंख बंद करके भी अपनी कोमल को पहचान सकता हूँ। ठीक है, लेकर जाइए इसे। चलो। सर, हमारी बेटी कोमल के जाने के बाद मेरे पति को गहरा सदमा लगा था और पिछले 10 साल से वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ भी हो लेकिन ये लड़की मेरी बेटी कोमल नहीं है। आप प्लीज सर सच का पता लगवाइए। ठीक है, पता लगा दे, जाइए। उमरौली। ये क्या कर दिया तूने? अब उन्हें एक हफ्ते का पैसा देके इधर फंस गया है, इधर भी जा नहीं सकता है। और आइए अपन जाए भी तो किधर जाए? आई ये अपन तो तेरे से बहुत प्यार करता है ना, तेरे को छोड़ के कैसे जाएगा? अभी तो तू मर भी गई आई। आई आई ये सब गलती हो गई है, आई सब गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मेरे को। जहाँ एक तरफ शरद को मिली लड़की ये दावा कर रही थी कि वही सुषमा और शरद की बेटी कोमल है, मैं आपकी कोमल हूँ मम्मी, वहीं सुषमा किसी भी हालत में उस लड़की को कोमल के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। कुछ भी हो लेकिन ये लड़की मेरी बेटी कोमल नहीं है। क्या ये लड़की वाकई में कोमल थी? क्या जो कुछ भी वो बता रही थी वो सच था? क्या सुषमा की नजरें इतने सालों बाद धोखा खा रही थी? और अगर ये सच भी है तो नीति के पति रघु ने अपनी माँ को इतनी निर्ममता से क्यों मारा? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? क्या वो शरद की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे? पुलिस के लिए इस केस की जड़ें इतनी पुरानी हो चुकी थी कि सच का पता लगाना इतना आसान नहीं था, लेकिन सुषमा की गुजारिश पर और इतने सालों की शरद की तकलीफ को देखकर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। सर, एक माँ अपनी औलाद को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, या फिर इस केस में सच में दाल में कुछ काला है। ये तो हम भी जानते हैं कि शरद पिछले 10 सालों से अपनी बेटी को पागल की तरह ढूंढ रहा है। इन 10 सालों में न जाने कितने लोगों से इसने केस के बारे में डिस्कस किया होगा, हो सकता है कि इमोशनल होकर कुछ निजी बातें भी बताई होगी।
मतलब कोई ऐसा हो सकता है जिसे इस केस की सभी डिटेल्स पता है और उसी ने इस लड़की को भेजा है। हो सकता है, लेकिन मोहिते झूठ के बादल ज्यादा देर तक सच की रोशनी को रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल इस लड़की के बयान ने इस केस का रुख उमरोल की तरफ मोड़ दिया है। पता है बचपन में तुझे खिचड़ी बहुत पसंद थी, वो भी घी डाल के। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। शरद, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मम्मी, तू खा बेटा, और देख जल्दी उसे पता चल जाएगा कि तुम ही कोमल हो। दौड़ के वो अपने आप तुझे अपने गले से लगा ली है। अच्छा सुन सुन सुन, चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। अच्छा रुक रुक रुक, चल। क्या है पापा? ये तो चल तो सही, ये देख, मैंने सब कुछ वैसे ही संभाल के रखा था जैसे तू छोड़ के गई थी। तुझे पता है बेटा, तेरा ये बाप तेरे लिए 10 साल तरसा है, हर गली में तुझे ढूंढा, हर इंसान से तेरे बारे में पूछा। आज मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं तुझे पाके। जब पैसे नहीं थे तो तुझे हम अपने साथ बचपन में रख नहीं पाए, और जब हालात सुधरे तो तू ही नहीं थी। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा कहाँ जा रहे हैं आदर्श? बाबा सारा गांव छान मारा लेकिन भरत का कहीं पता नहीं चला। बाबा ऐसे कैसे कहीं भी चला गया वो? तू बगीचे का? नहीं, मैंने उसे सुबह से कहीं नहीं देखा है, लेकिन आई। आप भी तो दोपहर में बाहर गई थी ना, तो आपने भी नहीं देखा उसे? नहीं कर। तो क्या करें फिर, हम तो पुलिस के पास जा भी नहीं सकते। ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस एक दो आ जाएगा अपने आप। आई तू? तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे लिए एक भेंट लाई है। भेंट? कोमल ने भेजी है। उमरौली गांव में लगभग सभी जगह पूछताछ है, इन किसी ने भी कोमल को नहीं पहचाना। बड़ा इतने साल तुम जिस गांव में रही थी उसका नाम तो तुम्हें जरूर पता होगा। उमरौली। हम लोगों ने उमरौली गांव में जाकर पता किया, तुम वहां कभी गई ही नहीं। अब सच सच बता दो कि तुम कौन हो, अगर हम लोगों ने हमारी तरीके से पूछताछ की ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। वो दरअसल मैं उसके बाजू वाले गांव में रहती थी, कनकवली। हमने आसपास के सभी जगहों में पूछताछ की, तुम्हारी फोटो भी दिखाई, लेकिन ना तुम्हें कोई पहचानता है ना तुम्हारे फैमिली के नाम को। बाबा देखो ना, शायद ये सदमे में होगी। ठीक है,
डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा ये सच बोल रही है झूठ। ले जाओ इसे। तो कौन हो तुम? वो मैं नीति हूँ। नीति? सरीफ ये झूठ बोल रही है, ना ही ये कोमल है और ना ही ये नीति है। क्या सच है और क्या झूठ है इसका पता हम लोग लगा लेंगे। मोहित इसके स्वैप सैंपल को सुषमा के डीएनए से मैच करवाओ। सर ले जाओ इसे। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, बाबा इनको बोलो ना मुझे नहीं जाना, बाबा बाबा प्लीज इनको बोलो ना, बाबा मुझे पता है कि कोमल कहाँ है, बाबा। सर हो सकता है शायद सच में इसे पता है हमारी कोमल कहाँ है। देखो ये बदबू कहाँ से आ रही है। हेलो पुलिस, बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी, डीकंपोज भी होने लगी, ऐसा लगता है मर्डर दो से तीन दिन पहले हुआ। आप लोगों को इस हत्या के बारे में कैसे कुछ पता नहीं चला? सर इन्होंने हमें रूम के अंदर आने दिया होता तब तो पता चलता, तीन दिनों से इन्होंने रूम की सफाई भी नहीं करने दी। कितने लोग थे? सर एक आदमी, उसकी पत्नी, बच्चा और ये औरत। सर एक हफ्ते का एडवांस भी जमा किया था और अभी भी ये रूम उनके नाम से ही बुक्ड है। चेक इन टाइम और डेट? सर ये चार दिन पहले का है। इनके आईडीज की कॉपी निकाल कर मुझे दीजिए। ओके सर। इन आईडीज के हिसाब से विक्टिम का नाम सुमित्रा था, बेटे का नाम रघु और पत्नी का नाम आशा, और ये लोग अंबादी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इतनी बुजुर्ग औरत को मारने के पीछे वजह क्या हो सकती है। सर मैंने जैसे पता चला ये लोग विक्टिम के इलाज के लिए यहाँ आए थे। लेकिन अगर सुमित्रा को इलाज के लिए लाए थे तो फिर उसे मारा क्यों, और मारा तो किसने मारा, बेटे ने बहू ने या दोनों ने मिलकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इलाज के खर्चे से डर गए हों, क्योंकि हत्या की और कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही है। खैर एक काम करो, इनके फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन पे सर्कुलेट करो और अंबादी गांव चलने की तैयारी करो। अब प्लीज बता दो कि मेरी कोमल कहाँ है। जो लड़की पहले इस घर में कोमल बनकर आई थी। मैं आपकी कोमल हूँ मम्मी। वो अब अपने आप को नीति बता रही थी। वो मैं नीति हूँ। आखिर क्या था ये मामला, क्या थी इस लड़की की सच्चाई और कहाँ थी कोमल? रघु का इस लड़की से और इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन था? रघु पहले से ही सुमित्रा की हत्या की वजह से पुलिस की रडार पर था और अब और नए नए खुलासे हो रहे थे। दूसरी तरफ सरला अपने ही बेटों को मौत की नींद सुला रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या सरला का और रघु का शरद के परिवार से कोई कनेक्शन था? ये मामला अब एक ऐसे मझदार में आकर फंस चुका था जहां से किनारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बाहर वाले रोड पर आकर मिल मुझे रघु। क्या चल रहा है? हाँ साली तू अपुन के साथ क्या डबल क्रॉस कर रही है क्या? जिस काम के लिए गई थी अभी तक क्या कर रही? ज़्यादा खिलाड़ी मत बना, आज की आज काम खत्म कर और कल की उधर से, समझे? ठीक है। <थीके। laughs>
अलावा पूरा गांव छान मारा, लेकिन आदर्श कहीं नहीं मिला। आखिर ये हो क्या रहा है? या तो वो दोनों कहीं भाग गए, या फिर कोई हमारे घर पर नजर रख रहा है। सब लोग कान खोल के सुन लो, हम लोगों को चौंकाना रहना होगा, कोई घर से अकेले बाहर नहीं जाएगा, समझ रहा? हाँ बाबा। अब हालात ये है कि हम लोग पुलिस में भी नहीं जा सकते। इस लड़की को ही देखा क्या? मैं सब देखिए, भाई साहब इस बच्ची को कहीं देखा क्या आप लोगों ने? हाँ साहब, 64 नंबर खोली में रहती है। हाँ, कहाँ है ये खोली? आइए आइए मेरे साथ। पता नहीं आई कब से फोन मिला रही, फोन मिल ही नहीं रहा है। परेशान मत हो। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोला ना तूने, क्या जरूरत थी ये सब शरद को बोलने की? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। आई रहा 64 नंबर खोली, यही बच्ची मिलेगी। हाँ सर। ओ भाई मेरे पैसे। अरे छोड़ो साहब, चलो। क्या सोना, तेरे दोनों चिकने नहीं दिखे आज। जी सुनिए। क्या बे? ओ, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ लड़की ही मिलती है, तुझे कौन सी चाहिए बता। आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब वो नहीं था। अबे, तो फिर क्या करने आया? दरअसल मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। ये कुछ 6 साल की थी तब यहाँ आई थी, अभी कुछ 16 साल की होगी। प्लीज बताइए ना कहाँ होगी। धंधे का समय, टाइम खोटी मत कर। चल निकल यहाँ से, निकल साले यहाँ से। अब मेरी बात सुनिए। चल बात सुनिए। तो मेरी बात। अबे निकल यार इसको। बेटी यहीं है। चल निकल। धंधे का समय बर्बाद करने आ जाता है। चल मेरे शेर, तेरे मर्द बनने का टाइम आ गया। कहाँ जा रही हो तू? कोमल अभी तक मिली नहीं है, तू कहाँ जा रही है? प्लीज मुझे बताओ मेरी कोमल कहाँ है। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बताते मेरी कोमल कहाँ है। मर चुकी है तेरी कोमल। मर गई है वो, मैंने खुद उसको मरते हुए देखा है। आशा, कहाँ जा रही थी ये सब लेके तू? मुझे पता था कि वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है। वो तो शुक्र है कि हमारे पैसे बच गए सर, वरना वो लड़की तो हमें कंगाल कर देती ना। उसने कहा कि मेरी कोमल मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कोमल मर नहीं सकती। वैसे ये चोटें कैसे लगी आपको? मैं कमाठी पूरा गया था अपनी बेटी कोमल को ढूंढने। ये तो बहुत पहले की फोटो है, तो बहुत बड़ी हो गई होगी। आपने देखा क्या इस बच्ची को? ये मेरे बाजू वाली खोली में रहती है। ये तुम्हारी बेटी?
यहाँ तो ताला बंद है। सर मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे ढूंढता ही रहूंगा। शरद तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की ने कहा ना कि कोमल मर चुकी है, तुम बात को समझते क्यों नहीं? तो झूठी थी ना सुषमा, लेकिन शरद उसकी बात भी झूठी होगी। आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वो आपके जज्बातों के साथ खेल रही। बाबा आप मुझे सचमुच में भूल गए? मैं नीति हूँ, मुझे पता है ये कोमल कहाँ है, कबाटी पूरा जानते हो। सर नीति की फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया तो दही सर पुलिस स्टेशन से पता चला है कि नीति एक मर्डर केस में वांटेड है। अरे तू इथे कशाला आलीस? तुम्ही इकडे कशाला आलाय? मैं तो कपडे धोने आई हूँ। अरे पता है ना पूरे परिवार पर खतरा है, आने की जरूरत क्या थी? एक तो भरत और आदर्श का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हमारे परिवार के साथ कुछ तो गलत। हेलो ए माला माहित नहीं, माला 50,000 रुपये पाइजे मंजे पाइजे समझ रहा? मुझे 50,000 रुपये चाहिए, कब दे रहे हो ये बताओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, डर माला आज पैसे पाहिजे समझ रहा? शरद तू मानलास माला? हो मी हे सगळं माझा काही दही सर मर्डर केस की फाइल, इससे नीति का एक नया चेहरा सामने आता है। आशा पाटिल मोहिते, ये नीति उर्फ आशा पाटिल यानी नीति की सास सुमित्रा के मर्डर केस की गुत्थी हमारे केस को सुलझाने में अहम कड़ी है। जी सर, इसका मतलब है ये लड़की नीति, जिसने पहले अपने आप को कोमल बनाया पर अब पता चलता है कि आशा पाटिल का भेष बदलकर वो दही सर की जनता लॉज में मर्डर करके भागी और दही सर पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। नीति के DNA टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगा लो, जितनी जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारी केस उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सर ये 10 साल मेरे भी थे सुषमा, ये 10 साल मैंने सिर्फ अपनी उम्मीदों की बदौलत काटे हैं, ये सोच के काटे हैं कि आज नहीं तो कल भगवान मुझ पर दया जरूर करेगा, मेरी बेटी जरूर वापस आएगी। लेकिन शरद तुम्हारी इस उम्मीद ने मुझसे मेरी सारी खुशियां तो छीन ली ना, तुम्हारे अंदर के इस बाप ने मुझे दोबारा कभी मां बनने ही नहीं दिया। कोमल हे भगरक्त, आज मैंने एक और को मार दिया, अब एक ही बचा है, छोड़ना नहीं मिथिला, नहीं छोड़ने वाले हो तू, घबरो ना
ये थे। मिलेगा। इसकी फर्स्ट एड का इंतजाम करो। होरी वाली पुलिस को इन्फॉर्म करो। पानी दो। सर, दहिसर मर्डर केस के आई विटनेस रघु को दहिसर पुलिस ने हमें हैंड ओवर कर दिया है। उसके पास नीति के केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बुलाओ उसे। सर, सर, ये रघु है। इसका बच्चा ये? अपुन कैसा? रो क्यों रहा है? भूखा सर। काजल, लेके जाओ इसे। नहीं साहब, वो देखभाल कर लेगी अच्छे से। दे दो। नहीं साहब, मैं दे दो। बैठो, बोलो। साहब, अपन बहुत भारी मुसीबत में पड़ गए हैं साहब। साहब, उससे पहले अपन की माँ को मारा साहब, फिर अपन पे हमला किया साहब। साहब, अपन कैसा कैसा करके अपना छोटी सी बच्ची को लेकर अपन कैसा भागे? तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि उसने तुम्हारी माँ को मारा और तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? उन सब कुछ ऐसा नहीं किए ले साहब। सब टेढ़ी है साहब। एक सास अपने बहू को, एक पति अपनी पत्नी को कुछ बोलेगा ना साहब, बस सब उसी का बदला ले रहे ली साहब। उसका असली नाम क्या है? नीति, आशा पाटिल या और कुछ? साहब, अपन को जब से उससे शादी हुआ साहब, अपन तो उसको आशा ही बोलते साहब। उसने कोमल बनकर घर में घुसकर घर लूटने की कोशिश की और अब फरार है वो। पहले तो तुमने नाबालिग लड़की से शादी की, फिर उससे बच्चा पैदा किया। क्या प्लान था तुम दोनों का? क्या बोल रहे हो आप साहब? अपन अपने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देखकर गली गली घूम रहे साहब। आपको लगता है तुमको शक्ल देखिए अपन कुछ ऐसा कर सकता है? एक बात बता, ये कहाँ जाकर छुप सकती है? उसकी मायके में साहब। मायके में कौन कौन है उसके? उसका बाप प्रकाश, माँ बोले तो सरला, और तीन भाई साहब उसके, सुरेश, भरत, आदर्श। और मायका कहाँ है उसका? मनोली साहब। चल, लेके चल वहाँ। लेकिन रघु, एक बात याद रखना, तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना, तो ये झूठ तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। चल चल। हेलो, ठीक है तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल। आशा का डीएनए सुषमा और उसकी माँ से मैच हो गया, इसका मतलब वो नीति ही है। चलो। लड़की देखिएगा कहीं पे? हाँ, ये लड़की देखिए, वहां पे बैठी है। आई ना सब, ये पास में सब सब यही चाहिए उसका घर। ये घर है सब, यही चाहिए सब। सब ताला लगे ले सब। पर सब अपन माँ कसम खा के कह रहे सब, ये वही घर है सब। अपन का शादी वादी सब इधर ही हुआ सब। सब ऐसा अपन को देखो मत, अपन सच बोल रहे सब। आप लोगों को यकीन नहीं है आप सब आजू बाजू पूछ सकते हो सब। वही आस पड़ोस में पूछताछ करो। सर चलो। सब शरद जी, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो लड़की नीति ही थी। क्या? आई, जो लड़की हमारे साथ रह रही थी वो नीति ही थी। हे देवा, नीति हमारे साथ रह रही थी और हमने उसे पहचाना भी नहीं। लेकिन लेकिन अगर वो लड़की नीति थी तो उसने चोरी क्यों की और वो यहां से भागी क्यों? अगर वो सच में नीति थी तो वो जो मेरे कोमल के बारे में कह रही थी वो भी सच होगा। मत
कोमल। कोमल सच में मर चुकी? नहीं, कोमल। शरद। कोमल बच्ची, नहीं हो सकता। शरद। कोमल। सर, गांव वालों से पूछता है इस रघु ने जिस घर के बारे में बताया था, गांव वालों के हिसाब से उसके मालिक बरसों पहले गांव छोड़ के चले गए और वो घर तब से बंदी पड़ा है। पुलिस को पता चल चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीति ही थी, वो नीति जो आज से 10 साल पहले कोमल के साथ उस सुरंग से लापता हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये था कि अगर ये लड़की नीति है तो फिर कोमल कहाँ है? क्या नीति ने कोमल के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था? क्या हुआ था कोमल के साथ और क्या था इन 10 सालों का राज? नियति फिर से अपने आप को दोहराती हुई दिखाई दे रही थी, फिर से सुरंग किसी की मंजिल को बदलने वाली थी। बस चेहरे अलग थे, परिवार अलग था और जो चीज बिल्कुल एक थी वो थी जुर्म और जुर्म का तरीका। क्या होने वाला था इस औरत के साथ? क्या हत्यारे इसे भी मार कर इसकी 7 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे? क्या फिर से एक राज सालों के लिए दफन हो जाएगा? क्या पुलिस इस केस की गहराई तक जाकर इसे सुलझा पाएगी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।